अल्लाह स्टूडेंट्स माई सेल्फ नवीद अहमद आई एम हेयर टू टीच यू बॉलोजी फॉर ग्रेट ट्वेल्विंग चैप्टर नंबर सेवनटीन एंड टू दिस टॉपिक दैट इज हाइपोथेलमस हाइपोथेलमस आप जानते हैं कि यह ब्रेन का एक हिस्सा है अब ये ब्रेन का पार्ट तो है इसके साथ साथ एंड्रोक्राइन एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है क्योंकि हाइपोथेलमस जो है ये मेजर पार्ट है तमाम हारमोनस को कंट्रोल करता है इन द ब्रेन अब देखिए ब्रेन में से ही मैसेज जाता है ग्लैंडस के पास ग्लैंड एज इफेक्टर के तौर पर काम करते हैं और हारमोन्स प्रोड्यूस करते हैं सो so, हाइपोथेलमस जो है बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट्री एंड इनहिबिटरी फैक्टर्स रिलीज करता है जो कि पिचुट्री ग्लैंड को इफेक्ट कर रहे होते हैं सेम एज इट इज़ इट ऑल्सो प्रोड्यूस द हारमोन्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोपेप्टाइड्स न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स ये प्रोड्यूस करते हैं जो कि बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सो so, हम ये सब डिस्कस करते हैं इसी लेक्चर में तो चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द मैमल्स यानी कि मैमल्स में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं किस तरह से हैं तो टॉपिक मेन टॉपिक जो है वो हमने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स मैमल्स में हम स्पेसिफिकली ह्यूमंस को लेते हैं और इंसान के मतलब ही डिस्कस करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूम ये बात तो आप पढ़ चुके हैं कि टोटल जो हैं वो कितने हैं तो टोटल आपने पढ़े कि दिस टोटल आर ट्वेंटी जिनमें से बहुत प्रोमिनेंट जो हैं वाजे जो हैं या जिनका बहुत अहम रोल है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आ, है तो बाकी का भी अहम रोल तो मेनली जो है वो यहाँ पे हम चंद एक एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहला है हाइपोथैलमस हाइपोथैलमस देखिए स्टूडेंट्स जो हाइपोथैलमस है ये जो रोल प्ले कर रहा है हार्मोन्स प्रोडक्शन में और हम ऐसे भी कह सकते हैं अदर सेंसरी रोल भी इसके यानी कि नर्वस सिस्टम में भी इसके रोल मौजूद होते हैं तो हाइपोथैलमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और ये नर्वस सिस्टम में भी रोल प्ले करता है इट तो आल्सो रोल प्ले इन रोल प्ले इन नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्वस कोऑर्डिनेशन एज वेल well एज एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी हिस्सा लेता है केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी रोल प्ले कर स्टूडेंट जो हाइपोथेलमस हैं हम इसे एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और इसलिए ये केमिकल कोऑर्डिनेशन में हिस्सा ले होता है यानी एक्टिंग एज एंडोक्राइन ग्लैंड क्योंकि इसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स मौजूद होते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो कि नर्वस सिस्टम के, के अंदर हैं लेकिन उनमें सिक्रेशन खारिज करने की सलाहियत होती है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स -se ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं यही हारमोन्स प्रोड्यूस करते हैं हारमोन्स प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व हैं स्टूडेंट जो हाइपोथैलमस है मेजर हार्मोनल कोऑर्डिनेशन ये काम करता है आप ऐसे कह सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग ऑल द केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ये किसका काम है हाइपोथैलमस का आप ऐसे भी कह सकते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन रेगुलेशन ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन तो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए उसको चलाने के लिए उसको मेंटेन रखने के लिए बैलेंस रखने के लिए हाइपोथलमस रोल प्ले करता है बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हाइपोथलमस है जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है सेंसरी इंफॉर्मेशन दैट सेंसरी इंफॉर्मेशन इज़ कमिंग फ्रॉम रिसेप्टर्स ये कहाँ से आती है रिसेप्टर्स you know से आती है रिसेप्टर्स यू नो दैट के बॉडी के अंदर डिटेक्शन के पर्पस के लिए यूज़ होते हैं रिसेप्टर्स से आती है रिसेप्टर्स सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेते हैं किसके पास आते हैं हाइपोथेलमस हाइपोथेलमस फिर उनको कन्वर्ट करता है क्या करता है कन्वर्ट करता है यानी कि इन्हीं इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली फिर आगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स तक बात पहुंचती है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो फिर अपने सिक्रीशंस को खारिज करते हैं और ये सिक्रिशंस जो होते हैं वो क्या होती हैं हारमोन्स और हारमोन्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करने में इन्वॉल्व होते हैं इधर भी हारमोन्स इधर भी हारमोन्स लेकिन ये जो हारमोन्स हैं न्यूरोपेप्टाइड्स कहलाते हैं और ये जो ग्लैंड से हारमोनस रिलीज़ होते हैं दीज आर ऑफ वेरिंग नेचर ये वेरिंग नेचर के हो सकते हैं इनको हम न्यूरोपेप्टाइड्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली न्यूरॉन, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स से सेक्रेट होते हैं और ये सिर्फ ओनली ओनली टू हैं ओनली ए डी एच एंड ऑक्सीटोसिन शामिल होते हैं ऑक्सीटोसिन शामिल होता है स्टूडेंट ये जो हमने यहाँ पे बात की है न्यूरोपेप्टाइड्स की और इस तरह से ये जो रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं ये सारा हाइपोथर्मस का रोल है तो हाइपोथैलेमस ये काम कर रहा होता है अब हमने देखना ये है कि किस तरह से क्या-क्या चीजें कैसे क्या इन्वॉल्व है हाइपोथैलेमस तो स्टूडेंट्स जो हाइपोथैलेमस होता है हाइपोथैलेमस इसके अंदर बेसिकली न्यूरोसेक्रटरी सेल्स मौजूद हैं थैलेमस हाइपोथैलेमस इसके अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स मौजूद होते हैं ठीक है इसमें हम ऐसे कह सकते हैं टू ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं एक ग्रुप इस साइड पे मौजूद होते हैं दैट इज द न्यूरॉन एक्सोन एंडिंग जो इस तरह से मौजूद है ठीक है ये हाइपोथैलमस के अंदर है ठीक है सेम एक ग्रुप जो है वो यहाँ पे इस तरह से एग्जिस्ट करता है उसकी न्यूरॉन एंडिंग जो है वो थोड़ी सी लेंथी है एज कम्पेयर टू अदर साइड ठीक है ये इस तरह से यहाँ पे मौजूद है तो दीज आर द टू सेल्स ये दो तरह के सेल्स हैं ये इसमें हम कहते हैं स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं इसमें भी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं तो दैट इज लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस ये हम कहते हैं न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स सेक्रेटरी सेल्स ये इनके टू ग्रुप्स हम कहते हैं मौजूद है और एक इस साइड पे दोनों का काम क्या होता है करना होता है यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ओनली एडियट्स जो है ये हारमोन्स हैं बल्कि यहाँ पे जो केमिकल कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व है जो यहाँ पे इसकी इसको कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे इसके पास स्टिमुलेटरी, स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी फैक्टर्स मौजूद होते हैं स्टिमुलेशन के लिए और इनहिबिशन के लिए ये स्पेसिफिक सर्टन फैक्टर्स मौजूद होते हैं जो रोल प्ले करते हैं अब देखिए ये जो न्यूरोटरी सेल्स का एक ग्रुप है इसमें से भी सेक्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं यहाँ पे ठीक है ये सीक्रेशंस ओवरऑल ट्रैवल होती हैं दिस आर गोइंग टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम हियर ये यहाँ से सीक्रेशंस जो हैं वो डाउनवर्ड आ रही हैं जबकि यहाँ पे बात करें ना तो ये वाला जो रीजन है इसमें भी न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स प्रोड्यूस कर रही हैं ये सेल्स सीक्रेशंस ट्रैवल करती हैं ट्रैवलिंग 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 दीस आर स्टोर्ड हियर यहां पर स्टोर हो जाती हैं, यानी कि एक में हमने कहा सिक्रेशन यहां से रिलीज हो जाएंगी, एक में सिक्रेशन जो है वो यहां पे स्टोर हो जाएंगे बेसिकली एग्जोन एंडिंग है एग्जोन एंडिंग ये जो इसमें सिक्रेशन प्रोड्यूस हो रही हैं ये बेसिकली हैं, हार्मोन्स ये हारमोनस हम कहते हैं इसके अंदर सिक्रिशन जो हैं वो स्टोर हो जाती हैं किसके अंदर एक्ज़ोन एंडिंग इस पॉइंट में जबकि इस पॉइंट में हम कह सकते हैं सिक्रिशंस डाउनवर्ड ट्रेवल होती हैं एक्जोन के थ्रू बट यहाँ पे क्या हो जाती हैं स्टोर हो जाती हैं ये स्टोर कब तक होती हैं अनव इम्पल्स रीच जैसे ही नर्व इम्पल्स आएगा दे रिलीज फ्रॉम हेयर यहाँ से ये क्या कर देंगे

ठीक है एक हमने यहाँ पे ऐसे कहा एक यहाँ पे इस तरह से और एक इस तरह से है ठीक है ये जो लोब है ये थोड़ा सा स्मॉलर होता है ये पोस्टीरियर लोब है और पोस्टीरियर लोब हम कह सकते हैं इसका जो साइज़ होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरों की नस्बत ये छोटा होता है स्मॉलर इन साइज होते हैं ये पोस्टीरियर लोब है दैट इज़ इन स्मॉलर साइज जो सबसे छोटा है अब देखिए एक चीज़ हमने यहाँ पे नोट की है ये है कि ये यह ग्लैंड है क्या है पिचुट्री ग्लैंड दिस ग्लैंड इज लिंक्ड विद हाइपोथेमस यानी कि ये ग्लैंड में एक तो ये लोब है दैट इज नॉन एज एंटीरियर लोब इसके दरमियान में जो होगा मीडियन लोब इसके जो एंड पे होगा पोस्टीरियर लोब ये तीन लोब है इन तीनों को कंबाइन हमने पिचोट्री ग्लैंड के नाम से मेंशन किया पिचोट्री ग्लैंड इसका मतलब ये जो पिचोट्री ग्लैंड है ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है इसके तीन लोब्स हैं एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियन और पोस्टीरियर ये जो ग्लैंड है ये ग्लैंड किसके साथ लिंक है हाइपोथैलेमस के साथ लिंक है अब इस ग्लैंड की जो लिंकेज है हाइपोथैलेमस के साथ वो एक स्टॉक के थ्रू होती है स्टॉक नोन एज इनफंडी ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि इनफंडी किस तरह से होता है बट हेयर वी आर गोइंग टू अंडरस्टेंड द सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन इन दिचुची स्टूडेंट जब मैं ब्लड सर्कुलेशन की बात करता हूं तो एक आर्टरी है क्या है, आर्ट्री। ये आर्ट्री जो है वो टू में डिवाइड हो जाती है यानी पीछे से एक है आगे से ये टू में डिवाइड हो जाती है एक जो है वो यहां पर नेटवर्क बनाएगी नेटवर्क ऑफ कैपलरीज और एक जो है वो यहाँ पर आकर नेटवर्क ऑफ़ कैपलरीज बनाने में रिस्पॉन्सिबल है इस तरह से नेटवर्क ऑफ़ कैपलरीज बनाने में रिस्पॉन्सिबल है ये यह यहाँ से इस तरफ बाहर की तरफ निकल जाएगी ये यह आर्टरी यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएगी जबकि यहाँ पे ये यह जो नेटवर्क ऑफ़ कैपलरीज बनेगा यहाँ पे जो नेटवर्क ऑफ कैपलरीज ठीक है जो डिवेलप होगा दैट नेटवर्क ऑफ कैप्टरीज्वाइन टू अगेन फॉर्म वेन्स यहां से यह अगेन क्या बन जाएगी वेन बन जाएगी एंड दिस वेन वास्पोर्टेड टू दिस साइड ये यहां से हम कह सकते हैं इस साइड से इस तरफ नीचे की तरफ जो है वो ड्रेन अप होगी फ्रॉम हेयर ठीक है तो ये जो ब्लड कैप्टरीज का स्ट्रक्चर बना है ब्लड कैपलरीज ब्लड कैपलरीज यहाँ पे बनी है, है। यहाँ पर एग्जोन एंडिंग में आकर स्टोर हो जाती हैं यानी कि न्यूरो सेल्स सिक्रेशन प्रोड्यूस की और ये सिक्रीशन जो कि पोस्टीरियल लोब में आती हैं दीज आर ए डी एच प्लस ऑक्सीटोसिन ये दो हार्मोन इसमें शामिल होते हैं ये कहाँ पे प्रोड्यूस हुई न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस दिस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू एक्सॉन एंडिंग एक्सॉन्स एक्सॉन फाइबर एंड दिस आर स्टोर्ड इन एक्सॉन एंडिंग जैसे ही इनको स्टिमुलस मिलेगा दे विल गेट अ स्टिमुलस इनको एक स्टिमुलस मिला दे विल रिलीज इट्स सीक्रेशंस इनटू ब्लड कैपिलरीज यानी कि ये अपनी सिक्रेशन किस में खर्ज करेंगे ब्लड कैपलरीज में खारिज करेंगे तो यहाँ पे स्टिमुलस स्टिमुलस आने आने पे आने पे ये क्या करेंगे रिलीज करेंगे और रिलीज कर देंगे किसके अंदर ब्लड कैपिलरीज में और ब्लड कैपिलरीज से हम कह सकते हैं आगे ये जो वेन जा रही है इस वेन के थ्रू जो है वो आगे पूरी बॉडी में जहां पे भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा तो आर्टरी से ब्लड एंटर हो रहे हैं आर्टरी से ब्लड एंटर हो रहे हैं और वेन से इसके अंदर ब्लड बाहर निकलेगा ये जस्ट ओनली एक हिस्से की हमने सर्कुलेशन को ऑब्जर्व किया है अभी तक और वो जो हिस्सा है वो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है दैट इज रिलेटेड टू पोस्टीरियर लोब ऑफ दिचोट्री ग्लैंड ये पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिचोट्री ग्लैंड में हम बात करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ पे भी ये आर्टरी जो है ये इसमें हम कह सकते हैं अंदर की तरफ मूव कर रही है अच्छा यहाँ पे जो नेटवर्क ऑफ बनेगा कैपलरीज का तो वो भी यहाँ पे भी एक नेटवर्क ऑफ कैपलरीज जो है वो बन जाता है यानी कि यहाँ पे भी एक नेटवर्क ऑफ कैपलरीज जो है वो डेवलप हो जाता है अब ये जो नेटवर्क ऑफ कैपलरीज मूव कर रहे हैं बन रहे हैं यह ये यहाँ से ऑनवर्ड आगे ब्लड सप्लाई जो है वो आगे बढ़ती जाएगी ठीक है और यहाँ से होती हुई ब्लड सप्लाई विल ट्रांसपोर्टेड टू तो नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट पोर्शन में आगे की तरफ जो है वो आ जाती है इस हिस्से में आएगी यहाँ से भी सेम एस डीज ये आर्टरीज जो हैं वो इस हिस्से में ट्रैवल करेंगे और इस हिस्से में भी ये अगेन यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो होगी ठीक है यहाँ पे स्पेसिफाइड सेल्स एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे स्पेसिफाइड सेल्स एग्जिस्ट करते हैं ये सेल्स आपस में ज्वाइन होते हैं ज्वाइन होकर ये भी आगे एक मेन कैपिलरी बनाते हैं एंड दैट कैपिलरी विल ज्वाइन विद इट यानी कि वेनियोल जो है वो इसके साथ ज्वाइन हो जाएगी और अपनी सिक्वेश को खारिज करेंगे स्टूडेंट्स ये जो एंटीरियर पिक्चोट्री लोब है एंटीरियर पिक्चोट्री लोब कंटेन अ स्पेसिफिक सेल्स इसमें ये स्पेसिफिक सेल्स मौजूद होते हैं एंटीरियर पिचोट्री लोब में स्पेसिफिक सेल्स मौजूद होते हैं। फॉर ये जो सेल्स इंटीरियर पिचोट्री लोब के अंदर मौजूद हैं दीज आर नॉन एज सिक्रेटरी सेल्स या इन्हें हम एंडोक्राइन सेल्स की बात कहते हैं कि दीज आर एंडोक्राइन सेल्स ये में मौजूद हैं

बेड है और इसमें सिक्रेशन कंटिन्यूसली पोर आउट होती रहती हैं ये जो सिक्रेशन यहाँ पे इसमें पोर होती होती रहती हैं इट इज नीडेड से आती स्टोर इसमें हम बात करें तो नॉट स्टोर स्टोर्ड नहीं होती बल्कि जैसे ही आती हैं वो फौरी इसमें क्या हो जाएंगे सिकरेट हो जाएंगे तो जैसे ही इन ब्लड सेल्स में आएंगे तो ब्लड सेल्स में यहाँ तक आएंगे ये इन सेल्स को आकर स्टिमुलेट करेंगे ये सेल्स जो हैं ये फिर स्पेसिफिक सिक्रेशन प्रोड्यूस करेंगे इसके अंदर आएगा और ये सिक्रेशन जो हैं ये फिर आगे कहाँ पे मूव करेंगे यहाँ से वेंस के थ्रू टारगेट सेल्स तक जो है वो पहुँचा दी जाएंगी तो ब्लड जो है वो टारगेट सेल्स तक जो पहुँचता है तो उनको हारमोन्स को साथ लेकर जाता है और वो टारगेट सेल्स पर जाके अपना रोल परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट तो इस तरह से हमने ये बात की है कि ये न्यूरोसिक्रेटेड सेल्स किस में मौजूद हैं हाइपोथेलमस में मौजूद है इनका लिंक किसके साथ है ग्लैंड के साथ है और ग्लैंड के साथ ये लिंक करती हैं तो ये एक स्टॉक के थ्रू लिंकेज होती है दैट इज नॉन एज इन फंडीबलम इसके तीन लोब होते हैं इंटीरियर मीडियम पोस्टीरियर इसमें जो ब्लड कैपरी होती है एंडोक्राइन सेल्स इसमें इंटीरियर में भी होते हैं मीडियम में भी एंडोक्राइन सेल्स की एग्जिस्टेंस होती है और यहाँ पे भी ब्लड सप्लाई होती है तो ओवरऑल हम यहाँ पे ये यह बात करते हैं कि हाइपोथेलमस इज बीइंग लिंक्ड विद लिंकड विदुट्री ग्लैंड और हाइपोथेलमस जो है वो सर्टन स्टिमुलेट्री यानी कि स्टिमुलेट्री का मतलब स्टिमुलेशन और इनहिबिटरी इनहिबिशन के लिए स्पेसिफिक फैक्टर्स रिलीज करता है और ये फैक्टर्स आते हैं किसके पास हैं इंटीरियर लोब के पास और इंटीरियर लोब जो है इसके अंदर एंडोक्राइन सेल्स हैं और ये एंडोक्राइन सेल्स सर्टन हारमोनस प्रोड्यूस करते हैं जो आगे प्रॉपरली uh, वर्क करने में इन्वॉल्व है जबकि यहाँ पे देखिए पोस्टीरियर लोब के अंदर तो इसमें हार्मोन्स की प्रोडक्शन हो रही है ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन हाइपोथेलमस में ही हो रही है हाइपोथेलमस में प्रोड्यूस होने के बाद इनको सिक्रेशन जो होती हैं उनको स्टोर कर लिया जाता है एक्जोन एंडिंग में ट्रांसपोर्टेशन भी एक्जोन फाइबर्स की मदद से होती है एग्जोन एंडिंग में जब स्टोर कर लिया जाता है वेन दैट विल रिलीज इन द ब्लड कैप्टीज और ब्लड कैप्टीज जो होती हैं वो कहाँ तक इसको लेकर जाएंगी टारगेट सेल्स तक जो भी इनका टारगेट होते हैं तो वो टारगेट सेल्स तक इनको लेकर आ जाएंगे टारगेट सेल्स पर आकर ये अपना फंक्शंस परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं तो ओवरऑल ये एक हाइपोथेलमस का रोल था मेनली हम यही कहते हैं कि इसमें स्टिमुलेट्री और इन्हिबेटरी फैक्टर्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं जो और वो जो ग्लैंड हैं वो केमिकल ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनके सिक्रेशन को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होते हैं सो so, नेक्स्ट इससे हमने जो पढ़ना है वो पिच्योट्रिक लैंड जिसके अंदर हम फर्दर इसकी डिटेल जो है उसको स्टडी करेंगे जी स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि हाइपोथेलमस जो है ये लिंक होता है कोऑर्डिनेट करता है पिच्योट्रिक लैंड के साथ और पिच्योट्रिक लैंड के अंदर डिफरेंट हारमोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और डिफरेंट हारमोन्स वहाँ से रिलीज भी हो रहे हैं दीज आर अंडर कंट्रोल हाइपोथेलमस हाइपोथलमस के अंडर कंट्रोल होते हैं हाइपोथेलमस उनको स्टिमुलेट भी करता है और उनको स्टॉप भी कर सकता है सो so हाइपोथेलमस में से दो हार्मोन्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं एडीएच और ऑक्सीटोसिन ये प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर एक्जोन एंडिंग के अंदर स्टोर हो जाते हैं अपॉन स्टिमुलस दे रिलीज इन टू पोस्टीरियर पी लोब ऑफ यानी कि चोट्री लोब के पोस्टीरियर लोब में ये रिलीज हो जाते हैं नेक्स्ट हम पिचोट्री ग्लैंड को डिटेल में डिस्कस करते हैं कितने हार्मोन्स कैसे कौन से हार्मोन्स किस तरह से रोल प्ले करते हैं तो सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा मुझे इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़